हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बात बताने वाला हूं कि अगर आप किसी भी इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हैं तो वो किस तरीके से रिमूव करेंगे। तो दोस्तों, इसके लिए मैं आपको सबसे पहले लेके चलता हूं अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मैं अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर आपको लेकर आ गया हूं और आप यहां पर देख सकते हैं इस इमेज को। मैं इस इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करना चाहता हूं क्योंकि ये मेरे को किसी थंबनेल पर लगाना है ये फोटो, और इस तरीके से अगर मैं किसी थंबनेल पे लगाऊंगा तो वो इफेक्टिव नहीं रहेगा। आप देख सकते हैं इसके पीछे बाइक वगैरह दिख रही है, घर भी दिख रहा है, मेरे को ये सारा यहां से रिमूव करना है। तो दोस्तों, इसके लिए करना क्या है आपको, आपको इसके लिए सबसे पहले एक एप्लीकेशन की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है, जिसका नाम है बैकग्राउंड इरेजर। आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप का लोगो है इस एप्लीकेशन का, ठीक है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसका नाम है बैकग्राउंड इरेजर, ठीक है, ये यहां पर ओपन हो रहा है। तो दोस्तों, इसके बाद में यहां पर कुछ एड वगैरह आएंगे, उसको आप हटा देंगे इस तरीके से। इसके बाद में आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट, ठीक है दोस्तों, क्रिएट का एक ऑप्शन आएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं वो इमेज मेरी यहाँ पर शो कर रही है जिसका मैं बैकग्राउंड रिमूव करना चाहता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों, इस पर मैं यहाँ पर क्लिक कर दूंगा, आप देख सकते हैं वो इमेज जो है अब इसका बैकग्राउंड ऑटोमेटिक यहाँ से रिमूव हो रहा है। दोस्तों, आप देख सकते हैं इस एप्लीकेशन ने बिल्कुल अपने आप ऑटोमेटिक इसका जो बैकग्राउंड है वो बिल्कुल रिमूव कर दिया, काफी अच्छे तरीके से और HD इमेज में बिल्कुल, ठीक है। तो इसके बाद में ऊपर ये राइट कॉर्नर है दोस्तों, देखिए ये कॉर्नर, इसमें राइट का जो टिक दिख रहा है आपको, इस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे एक ऐड दिखाई देगा, इसको आपको हटा देना है, ठीक है। अब इस इमेज को आपको फुल साइज में कर लेना है, देखिए मैंने ये इस इमेज को फुल साइज में कर दिया है, और ऊपर जो सेव वाला जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, सेव का, इस सेव पर क्लिक करके आपको इसको इमेज को सेव कर देना, ठीक है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं इस इमेज का जो बैकग्राउंड है वो बड़ी आसानी से रिमूव हो गया है। अब आप इस इमेज को देखिए, यहां पर सेव हो जाएगा मेरी गैलरी में, आप देख सकते हैं इस इमेज का बैकग्राउंड बिल्कुल आसानी से बड़े अच्छे तरीके से हट गया है। अब इस इमेज को आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो, वीडियो चले तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।